इंडियन नेवी डबल ए SSR के लिए परीक्षा पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है और आप जाके परचेज कर सकते हो। अगर आप अपने चैनल कोड यूज़ करते हो जो कि ये दिया है IndianV40, तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये केवल पहले 100 यूजर्स के लिए। तो जाओ जल्दी से परचेज करो, लिंक मैं आपको और ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। कैसे हो आप सब? फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में टोटल 110 फुल फॉर्म है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 25 से 30 फुल फॉर्म इस तरीके से हैं जो आपने पहली बार पढ़े होंगे, हो सकता है इन्हीं में से आपके एग्जाम में आ जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप किसी भी ग्रुप स्टडी ग्रुप पे हो तो इसको शेयर कर दो, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये होता है आपका नाबार्ड का पूर्ण रूप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंटरपोल। इंटरपोल से क्या तात्पर्य है? तो इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शब्द संक्षेप RPF का अर्थ है? RPF का अर्थ होता है गाइज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखना है आपको सारी चीज़ें, आपको सारे ऑप्शन ऐसे लिखे दिखेंगे जो सारे सही हैं। देखो रेलवे पुलिस फोर्स सही लग रहा है ना, रिजर्व पुलिस फोर्स सही लग रहा है, रीजनल पुलिस फोर्स भी सही लग रहा है, तो इसमें जो भी ऑप्शन है सारे आपको सही लगेंगे, लेकिन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, SMS का अर्थ बताना है। तो गाइज SMS का जो अर्थ होता है वो होता है आपका शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वैट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। तो वैट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है वैल्यू एडेड टैक्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, SARS को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। तो जो SARS होता है इसको विस्तृत रूप में लिखा जाता है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, RBI का विस्तारित रूप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, DOS का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, साप्टा का पूर्ण रूप। जो इस सीरीज में ये 110 क्वेश्चन में आपको कोई भी अगर नया दिखता है जो आपने पहली बार पढ़ा हो तो उसको नोट कर लेना, ठीक है? उसको याद जरूर कर लेना, साप्टा का जो पूर्ण रूप होता है वो आपको बताना है। इसका सही जवाब है साउथ एशिया प्री फेंसियल ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, ट्रेड एजेंसी और ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये आपको याद रखना है, साउथ एशिया प्रीफेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइज DVD क्या है? तो DVD का जो पूर्ण रूप होता है गाइज वो होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है WLL का अर्थ। तो WLL का अर्थ होता है वायरलेस इन लोकल लूप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है बिट्स का अर्थ होता है गाइज बाइनरी डिजिट्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, IRA से क्या अभिप्राय है? IRA का फुल फॉर्म बताना है। तो IRA का फुल फॉर्म होता है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, रेडियो में जो आपका SW होता है उससे क्या तात्पर्य? बहुत गलतियां हो जाती हैं, शॉर्ट वेव, स्लिम वेव, सोलोक्षी वेव, साउंड वेव। जल्दी से अब मन में सोचो क्या सही जवाब है। चलो आपने सोच लिया होगा, तो आपने सोचा है अगर कि साउंड वेव, तो ये आपका गलत जवाब है। जो रेडियो में SW होता है उसका मतलब होता है शॉर्ट वेव, और ये गलती एग्जाम में हो जाती है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है पैन। पैन का सभी को पता होगा परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, रेडियो में जो आपका FM होता है उससे क्या आशय है? तो FM का जो मतलब होता है वो होता है आपका फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सॉरी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हाँ, यहाँ पे देखो दो दिख रहेंगे, फ्रिक्वेंट लिखा है और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, है ना? तो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है CNN से तात्पर्य है। तो CNN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है केबल न्यूज़ नेटवर्क, केबल न्यूज़ नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, शब्द संक्षेप STD से क्या तात्पर्य है? तो जो आपका STD होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ट्रंक होता है, ठीक है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है CNG से क्या तात्पर्य है? तो सभी को पता होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, BIFR का फुल फॉर्म ध्यान से रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21 है WTO का जो फुल फॉर्म होता है गाइज वो क्या होता है? तो वो होता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ये होता है आपका WTO का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर
22 है ओटेक। तो ओटेक का पूरा रूप क्या होता है? ओटेक का पूरा रूप होता है गाइज ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है कन्वर्सेशन और कन्वर्जन, है ना। ये देखो ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, सॉरी कंजर्वेशन लिखा है और ये कन्वर्जन लिखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पता लगे आप पहला ऑप्शन पढ़ो जल्दी से, ओशियन थर्मल एनर्जी तो आपको यही सही लगे, जल्दी से आप कर दो, पूरा ध्यान से पढ़ना है और ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, ओपेक, ओपेक का जो अर्थ होता है, ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसरो का संक्षिप्त रूप लगभग सभी को पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है DPAP, DPAP का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है गाइज ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ड्रॉट प्रो क्या बोलते हैं, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एक मुझे ऊपर की गलती मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या लिखा है, इसरो, इसरो का होता है स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मैंने ऑप्शन नंबर बी बताया था ना। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है। तो 2G स्पेक्ट्रम में आपका पता है जी होता है आपका जनरेशन के लिए, ठीक है, 2G, सेकेंड जनरेशन 3G, थर्ड जनरेशन 4G, फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, GSLV, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और GSLV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हिंदी में लिखा है लेकिन आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश में भी मैंने लिख दिए हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, जो लोग देख रहे हैं मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया क्योंकि कुछ मक्कार होते हैं, उनको PDF फ्री मिल जाती है, उनको पढ़ना भी नहीं होता है। तो आप अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखो टेलीग्राम की लिंक है, आप तुरंत जाना इस वीडियो को देखने के बाद, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। शब्द संक्षेप DRDO से क्या आशा है? तो DRDO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, सार्स का फुल फॉर्म है, सार्स SARS लिखा है और ये एक रोग है, इसमें अक्षर ए का तात्पर्य है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गाइज, सॉरी इसका जो ए का तात्पर्य होता है वो होता है एक्यूट, एक्यूट, और सार्स ऊपर आपने फुल फॉर्म पढ़ा था क्या होता है, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ये फुल फॉर्म आपने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, संकेताक्षर FIR में अक्षर I किसका द्योतक है, या जो भी है आपको FIR का फुल फॉर्म बताना है, सॉरी FIR में I का मतलब बताना है, तो इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, संक्षिप्त शब्द है नाफ्ता, नाफ्ता में टी के लिए बताना है कि नाफ्ता में जो टी है वो क्या है, तो नाफ्ता में जो टी होता है वो आपका ट्रेड होता है, और नाफ्ता, नाफ्ता का फुल फॉर्म अगर आपको पहली बार आप देख रहे हो तो इसको याद कर लेना, द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये होता है फुल फॉर्म आपका नाफ्ता का, एक बार फिर से सुन लो, द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, ई कॉमर्स में जो ई होता है वो आपका किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, लेजर का फुल फॉर्म में एस संदर्भित करता है, तो जो एस होता है उसका मतलब होता है स्टिमुलेटेड, ठीक है, और लेजर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है आपका लेजर का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इंटरनेट में डब्ल्यू डब्ल्यू का प्रयोग, डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म बताना है, डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म, तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35 है, बार्क का फुल फॉर्म, तो बार्क का फुल फॉर्म होता है गाइज बार्क का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये देखो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, शब्द संदीप UNDP का पूरा नाम, तो UNDP का जो पूरा नाम होता है, जो भी आप नया देख रहे हो उसको नोट कर लेना, याद कर लेना, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए इसका
सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। एमसीए का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। जीएम का अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने, जीएम के काफ़ी सारे फुल फॉर्म होते हैं जी, लेकिन जनरली मार्केटेड ये गलत है, ये होता ही नहीं है। ग्रीन एंड मॉइस्चरस ये भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग वर्ड हैं दोनों, वो जबरदस्ती जोड़ के रख दिया गया, ग्रीन एंड मॉइस्चरस। इसके बाद ग्लोबली मार्केटेड ये भी गलत है। जो आपका जीएम का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39। ई बैंकिंग में जो ई का मतलब होता है वो क्या होता है? उसका मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। आईटी का फुल फॉर्म होता है गाइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41 है, बैंकिंग लेन देन में जो ईसीएस होता है तो उसका अर्थ क्या होता है? तो बैंकिंग के लेन देन में जो ईसीएस होता है उसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42 है, आईआरडीए का पूरा नाम बताना है। तो आईआरडीए कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43 है कि एसटीपीपी का पूरा रूप क्या है? तो एसटीपीपी का पूरा रूप होता है गैस सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। ट्राई का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ट्राई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गाइज आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि ये पहले ज़्यादा पूछे जाते थे, आपका जो आईआरडीए हो गया और ट्राई हो गया। ठीक है, तो ये अब कम पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हाई लेवल के फुल फॉर्म भी इसमें रखे हैं। जैसे पाकिस्तान के संदर्भ में जो आईएसआई होता है, तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो पाकिस्तान के संदर्भ में पूछा जा रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आईएसआई का फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, आसियान किसके लिए है? तो आसियान इसके लिए है, देखो आसियान का जो फुल फॉर्म मैंने आपको काफ़ी बार बताया, तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, यहाँ पे अफ्रीकन है और यहाँ पे एशियन है और यहाँ पे एशियन है, लेकिन एसोसिएशन है तो यहाँ पे एकेडमी है, जो गलत हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों में देखना, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है और यहाँ पे अफ्रीकन है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत, ए गलत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 47 आपका HUDCO का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? अगर आप ये पहली बार देख रहे हो तो इसको कैसे भी करके आप याद कर लेना, लिख लेना। इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48 है, एपेक APEC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, ऑप्शन नंबर देश का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। OMR का जो फुल फॉर्म होता है वो गाइज होता है ऑप्टिकल ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है SEZ, तो सेज का जो फुल फॉर्म होता है गाइज वो होता है स्पेशल, ई से इकोनॉमिक और जेड से जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी स्पेशल है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो अगर मैं टिक गलत लगा देता हूँ तो उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि मुझे ये सारे 110 के 110 टोटल याद हैं, तो जो मैं बोलूँगा वही सही होगा। ठीक है, गलती से मैं देखूंगा नहीं, अगर गलती से यहाँ कहीं लग जाता है तो कन्फ्यूज मत होना, जो मैं मुँह से निकल रहा है वही सही होगा। तो सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है, बैंकिंग शब्दावली में जो आपका NPA होता है, तो NPA क्या होता है? NPA का फुल फॉर्म बताना है। तो NPA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और एक मैंने वीडियो दी थी टॉप 10 फुल फॉर्म की, उसमें मैंने NPA आखिर होता क्या है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, तो वो आपको फुल फॉर्म की वीडियो जरूर आपको ऊपर मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। 52 है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है, कंप्यूटर में जो रैम का तात्पर्य होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कैड। कैड का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 54 है, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में जो सी होता है इसका जो पूर्ण रूप होता है तो वो होता है आपका कोर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। CBS का फुल फॉर्म क्या होता है? CBS का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, NSG का पूरा रूप, तो NSG का जो पूरा रूप होता है वो होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है, सेबी का
फुल फॉर्म बताना है, तो सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, काफ़ी बार बताया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, संक्षिप्त शब्द सिमी, ठीक है, SIMI से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है गाइज वो होता है आपका स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58, संक्षिप्त शब्द LTTE, ठीक है, LTE मत समझना, LTTE लिखा है, जो लिखा है वो सही लिखा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका लिबरेशन, टी से टाइगर, ऑफ तमिल LM, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 59, RDX का फुल फॉर्म पूछा गया, तो RDX का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, लेजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार बताया, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट 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 एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। यहाँ पे देखो थर्ड नंबर पे है, यहाँ तक तो ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे गड़बड़ है, तो ये दो लाइट एम्पलीफिकेशन से हैं और इसमें से यहाँ से ये गड़बड़ है, और ये इसका सही जवाब हो जाएगा लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61 है, SDR का पूरा रूप बताना है, SDR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SDR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 62, CFL का पूरा रूप बताना है आपका, तो CFL का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 63, ATM किसका संक्षिप्त है, तो ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जल्दबाजी में आपसे गलती भी हो सकती है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड होता है, ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, ठीक है, पूछ लिया जाता है, ऑटोमेटिक भी ऑप्शन होता है, ऑटोमेटेड होता है, तो जो ATM का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 64 है, MICR का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ऑप्शन नंबर डी। कोई भी ऑप्शन पढ़ोगे आपको सब सही लगेंगे, ठीक है, देख लो आपको दी, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर लग रहा है ना, मैग्नेटिक इन लाइन कोड रीडर, ये भी सही लग रहा है ना, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 65, NCERT, NCERT जानते होगे, तो NCERT का फुल फॉर्म पूछा गया, तो NCERT का जो फुल फॉर्म होता है तो वो होता है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक सेम आपको मिलेगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे टीचिंग है और यहाँ पे रीडिंग है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 66, PSLV, ठीक है, तो PSLV का फुल फॉर्म होता है, तो काफ़ी आसान है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ होता है, सिम का जो अर्थ होता है आपके मोबाइल में जो सिम है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो CAS का फुल फॉर्म क्या होता है, CAS का फुल फॉर्म होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ध्यान रखना इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है, सूचना प्रौद्योगिकी IT में HTML से क्या तात्पर्य है, तो HTML का तात्पर्य होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 71 है, NAEP का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एटॉमिक एनर्जी, नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, CTBT का पूरा रूप, तो CTBT का जो पूरा रूप होता है वो होता है कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है 73, एड्स का फुल फॉर्म लगभग सभी को पता होगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग डिसीज कर देते हैं, तो ध्यान रखना डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, सॉरी बी गलत हो गया, देखो है ना, एक ऐसे ऑप्शन लिखे मैंने मुंह से सही बोला है लेकिन मेरा टिक गलत लग गया, वो तो अच्छा है कि मैं देख लेता हूँ, एक्वायर्ड इम्यून बोला ना मैंने, तो इम्यून होता है, और यहाँ पे देखो क्या लिखा, इम्यूनिटी, और मैंने इसको सही कर दिया, क्योंकि लगभग सभी आपको देखने में एकदम सही लगेंगे, इसीलिए मैंने आपको दिए, बहुत अच्छे से तैयार करना इनको, और इसी टाइप के ऑप्शन रखे जाते हैं ना, कि आप कन्फ्यूज हो जाओ, जल्दी से आप कर ना पाओ, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर
सी। और गलती से आप बी सही कर दोगे, आप तो सोचोगे आपने सही कर दिया लेकिन यही गलत हो जाता है, गलत हो जाएगा साथ में आपका माइनस मार्किंग भी जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। अक्सर हम अखबारों में देखते हैं कि सरकारी प्राधिकरणों द्वारा कुछ परियोजना PPP आधार पर शुरू की जाती है, तो कुल मिला के PPPP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। मोडेम का जो फुल फॉर्म होता है गाइज वो होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 76 है, गेट GATT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है LCD, LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आधा टाइम तो मेरा ढूंढने में लग जाता है कि ऑप्शन कौन सा सही है। 78 है NIS, NIS का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है नेशनल कौन सा होता है, एम्यूनाइजेशन शेड्यूल, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 79, DTP, DTP का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है डेस्कटॉप, डी से डेस्क, टी से टॉप और पी से पब्लिशिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 है, OCR का पूर्ण रूप क्या है, तो OCR का जो पूर्ण रूप है इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। देखो OCR का जो फुल फॉर्म होता है वो दोनों होते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर रीडर आ जाता है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन दोनों होते हैं, ध्यान रखना। और आंसर में हाँ देखो मैंने लिख दिया ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और जबकि ये ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो दोनों आप याद रखना। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर दोनों होते हैं। रोम का पता होगा, रीड ओनली मेमोरी। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है बिट, बिट का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो इसका जो सही जवाब है वो होता है आपका बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट टास्क, ऑप्शन नंबर बी। ALU का एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, फेमा, फेमा में M का पूरा रूप क्या होता है, तो फेमा क्या होता है गाइज, फेमा में जो M का पूरा रूप होता है वो होता है आपका मैनेजमेंट, M का मतलब मैनेजमेंट होता है, और जो फेमा होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका रैम का पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आगे चलते हैं कंप्यूटर KB का फुल फॉर्म किलो बाइट, ठीक है ये भी छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं लैफ, लैफ पूछा गया कि सामान्यतः वित्तीय आर्थिक क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द लैफ में अक्षर L क्या दर्शाता है, तो लैफ में जो अक्षर L है वो दर्शाता है आपका लिक्विडिटी, और इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 88, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द ALM का विस्तार बताइए, तो ALM का जो विस्तार होता है वो होता है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, 89 है, अक्सर हम अखबारों में पद ACB पढ़ते हैं, तो ACB का पूरा रूप क्या होता है, तो ACB का जो पूरा रूप होता है वो होता है आपका एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग, ऑप्शन नंबर डी बोरोइंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 90 है, कतर और कुछ अन्य देश को LNG की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, यह प्रयुक्त कौन सा शब्द बनता है, शब्द LNC में N अक्षरों से कौन सा शब्द बनता है, तो कुल मिला के क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो LNG यहाँ पे लिखा है पता नहीं कुछ भी। चलो हम सीधा इतना देखते हैं कि शब्द LNC में N का क्या मतलब है। ठीक है, LNC देखते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये गलत लिखा सही मुझे नहीं पता, तो LNC का पूर्ण रूप क्या होता है और उसी के ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं, तो LNC में N के लिए पूछा गया, तो N का मतलब होता है नेचुरल। ठीक है, और LNC का अगर बात करें तो LNC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, लिक्विफाइड, लिक्विड यहाँ पे लिक्यू नहीं होता, लिक्वे होता है, लिक्वे ये ई यहाँ पे ई होता है और FID लिक्वेफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, जो आपका म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय हम पद NAV के बारे में सुनते हैं, तो NAV का पूरा रूप, तो काफ़ी अच्छा है, म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सुना होगा, तो इसमें एक पद होता है NAV, तो इसका पूर्ण रूप होता है नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 92 है, बैंकों या फिर NBFC से लिए गए ऋण की चुकी थी, क्या लिखा है ये, कुल मिला के ऋण लिया जाता है, ऋण लेने के बाद जो चुकाया जाता है। ठीक है, तो चुकाने के लिए EMI पद पर हम सुनते हैं
तो ईएमआई का पूरा रूप, तो सीधा सीधा यार पूछो ना कि ईएमआई का पूरा रूप क्या होता है, तो इसका सही जवाब होता है ईएमआई का होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। ABSA का फुल फॉर्म होता है अप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है, यह आप ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अप्लीकेशन होता है यहाँ पे, और इसके बाद देखो सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट, यहाँ पे लगभग सेम मिल रहे होंगे आपको, ये देखो दो तो सेम ही है। इसके बाद बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे अप्लीकेशन एट अलॉटमेंट अलॉटमेंट, तो ये सारा आपको अच्छे से याद करना है। अप्लीकेशन सपोर्टेड फॉर ब्लॉक्ड अमाउंट, ये होता है आपका ABSA का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखो, एमआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक आर से रिजोनेंस और आई से इमेजिंग, तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 95। बैंकिंग और वित्तीय परिचालनों में प्रयुक्त शब्द ECB में आपका सी क्या होता है, तो ECB में जो आपका सी होता है वो होता है आपका कॉमर्शियल। और अगर बात करें ECB का फुल फॉर्म की, तो ECB का फुल फॉर्म नहीं पता मुझे, ठीक है, याद ही नहीं है मुझे, मुझे लगा था सारे याद हैं, तो ECB नहीं याद है। सी का मतलब पता है क्या होता है, कॉमर्शियल, ऑप्शन नंबर डी, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छोड़ना मत, ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया नहीं, तो इसको सर्च कर लेना ECB का फुल फॉर्म और देख लेना। नेक्स्ट है 96। 96 है आपका LGBT क्या है, LGBT के फुल फॉर्म आपको बताना है, तो LGBT का फुल फॉर्म ध्यान से देखना, इसका मतलब होता है, L का मतलब होता है लेस्बियन, और G का मतलब होता है गे, और B का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, और T का मतलब होता है ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है, ठीक है। 97 देखो, 97 नंबर है OPCW का पूरा रूप, तो OPCW का मैंने आपको बोला था ना, काफ़ी हाई लेवल के भी रख दिए हैं, क्योंकि कुछ बाहर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बस मैंने सारे वही रख दिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो OPCW का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 98। ISDN का फुल फॉर्म बताना है, तो ISDN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 99। PII का फुल फॉर्म, तो PII का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट, सॉरी PII यहाँ पे नहीं है, ये है PIIL, ठीक है, ये होगा PII, सॉरी PIL, इतना केवल ये होता है, तो पब्लिक, इसका होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 99 के बाद 100 आता है ईवीएम, तो सभी को पता होगा ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 101। GIS में जी शब्द का क्या मतलब है, तो GIS में जी का जो मतलब होता है वो होता है आपका जियोग्राफिक, ठीक है, और GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। लैन, लैन का जो मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद है नासा, नासा का सभी को पता होगा, नासा का होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका HTPP, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है RTGS, RTGS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 106, क्वेश्चन नंबर 106 है आपका SIDBI किसका, कुछ मिला के SIDBI का फुल फॉर्म पूछा गया, तो SIDBI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ILO का सही विस्तार, तो ILO का जो सही विस्तार होता है वो होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। GSM का पूरा रूप क्या होता है, तो GSM का पूरा रूप होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन वैन का सही रूप है, तो अभी ऊपर लैन आया था, लोकल एरिया नेटवर्क था, और वैन का जो होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट है आज की इस वीडियो का, नाबार्ड फिर से रिपीट हो गया, तो कुल मिला के, चलो नाबार्ड का फुल फॉर्म आप बता देना अगर याद है, तो कुल मिला के 109 फुल फॉर्म आपको करा दिए, और जिस पोजीशन में मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी झुका था, अब भी वो गर्दन दर्द हो रही मेरी, मैं बता नहीं सकता,
तो अब मैं फाइनली उठ रहा हूँ और टोटल 109 क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए और कुछ काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के मैंने रखे इसीलिए, क्योंकि डबल ए में कभी कभी ऐसे फुल फॉर्म्स आ जाते हैं जो आपने देखे ही नहीं होते कभी, क्योंकि आप कहाँ से फुल फॉर्म याद करके जाते हो, हम ही लोगों के भरोसे होते हो ना, जो हम फुल फॉर्म्स आपको प्रोवाइड करते हैं वही आप याद कर लेते हो, और कुछ फुल फॉर्म्स आपके हाई लेवल के आ जाते हैं फिर वो आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये आपके ठोस नंबर हैं, देखना है और कर देना है, तो इसलिए मैंने सारे आपको करा दिया। अब आपको अच्छे से तैयार करना है, वीडियो एक बार नहीं दो बार देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, 1 घंटा लगेगा आपको, सारे 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आई बटन पे जो वीडियोस हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे वो भी देख लेना, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूँ ताकि आप इनको अच्छे से पढ़ सको, तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है टेलीग्राम की, जाके वहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सुनो जो लास्ट तक आए हो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ये ज़रूर जानना है कितने लोग लास्ट तक आते हैं। और देखो ऐसी वीडियो, देखो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, फिलहाल देखो अगर मैं पैसों के पीछे भागू, अगर पैसे जनरेट करने का, तो इन्हीं फुल फॉर्म्स को मैं 5 वीडियो में दे सकता था, 5 वीडियो देखता, आप 5 बार आते हो तो मुझे पैसे मिलते, ज़्यादा के नहीं मिलते है ना, बार बार व्यूज़ आते, लेकिन एक वीडियो मैंने बनाई है, पैसे तो कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका टाइम बच जाएगा, आप एक वीडियो को शांति से देखोगे तो टाइम बच जाएगा, और 5 वीडियो पता नहीं अगले 5 दिन में आती तो तैयार भी नहीं होता, इसलिए मैं आपको बड़ी वीडियोस आपको दे रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ आपका, तो लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।